हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद उप्स। सो हम आज के टॉपिक में उप्स लेंगे। सो आपको पता है प्रोग्रामिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें प्रोग्रामिंग क्या है वो समझना होगा। सो व्हाट इज़ द प्रोग्रामिंग? A group of instruction used to perform some operation is called programming. Programming provided by step by step solution. So मतलब जो group में होता है, जो group में instruction दिया जाता है some task perform करने के लिए, उसे programming कहते हैं, program कहते हैं उसको। और प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं? प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग मॉडल और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये अलग अलग कंसेप्ट है। प्रोग्रामिंग ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो प्रोग्राम ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है। प्रोग्राम मीन्स जो पर्टिकुलर प्रोग्राम होता है, जैसे कि हमें कुछ इवेंट के लिए जाना है या कुछ जैसे कि कुछ किसी का बर्थडे होगा या किसी का कुछ फंक्शन होगा, तो कुछ लोग ग्रुप में परफॉर्म करते हैं, मतलब ग्रुप में टास्क कुछ मतलब ग्रुप में काम करते हैं, तो उसको ग्रुप की कोई इंस्ट्रक्शन देगा और वो काम परफॉर्म करेगा सब, उसको प्रोग्राम कहते हैं, जैसे कि रियल लाइफ में। और प्रोग्रामिंग में, प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में कैसे होता है कि एक इंस्ट्रक्टर होता है, जैसे कि जो मतलब जो कंपाइलर है वो इंस्ट्रक्शन देगा और वो जो हमने प्रोग्राम लिखा है उसको उसको इंस्ट्रक्शन देगा, वो परफॉर्म करेगा वो टास्क या कुछ ऑपरेशंस है उसके, वो परफॉर्म करेगा, उसको प्रोग्राम कहते हैं। और प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं? प्रोग्रामिंग द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। जो हम प्रोग्राम प्रोसेस मतलब जैसे कि हमें अभी जैसे रियल लाइफ में होता है कि कुछ मतलब डायरेक्ट तो कोई कोई मतलब डायरेक्ट इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं करता, पहले तो हम रिटर्न में देख पहले तो डिसाइड करते कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन क्या काम करेगा, कौन मतलब जैसे कि कोई पैसे लेगा तो उसको कितने देने हैं, ऐसे कि रियल लाइफ में। और हमें हमारे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में हम कैसे करते हैं, रिटर्न में पहले तो हमें सुडो कोड बनाते हैं, फिर उसको फिर हम प्रोग्राम रिटर्न में डिस्प्ले करते हैं या रिटर्न करते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग है या प्रोसेस ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम इज कॉल्ड एज प्रोग्रामिंग। एंड प्रोग्राम इंक्लूड, मैं बड़ी स्किप करती हूँ, प्रोग्राम इंक्लूड द मल्टीपल एक्टिविटीज द प्रोग्राम हु परफॉर्म द प्रोग्राम इज कॉल्ड एज अ प्रोग्रामर। जो प्रोग्राम परफॉर्म करता है, जैसे कि प्रोग्रामिंग में टर्मिनल जो परफॉर्म करता है प्रोग्रामिंग, और रियल लाइफ में जैसे कि जो जैसे कि वो इवेंट मैनेजर है वो परफॉर्म करता है ना सब, और उसके नीचे जो काम करते हैं, वैसे ही यहाँ पे प्रोग्रामिंग वो परफॉर्मर है जो परफॉर्म करता है, तो पर्सन हु परफॉर्म द प्रोग्राम इसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। और प्रोग्रामिंग मॉडल किसको कहते हैं? प्रोग्रामिंग मॉडल, द प्रोग्रामिंग मॉडल आर क्रिएटेड बाय द इंडस्ट्री एक्सपर्ट विच प्रोवाइड अ रूल एंड गाइडेंस टू डेवलप द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, जो पहले जिन्होंने प्रोग्रामिंग प्रोग्राम बनाया है, उन्होंने टू टाइप्स के प्रोग्रामिंग मॉडल्स बनाया है। प्रोग्रामिंग मॉडल्स मीन्स जो जैसे कि हमारी कार है, कार में जैसे कि बहुत सारी कार्स हैं और उसमें भी कार्स में भी बहुत सारी कार्स होती है, और हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारे कार्स हमें डिसाइड कर सकते हैं एक्चुअली कि हमें कौन सी कार चाहिए कौन सी नहीं,
प्रोग्रामिंग मॉडल में क्या होता है ना, इंडस्ट्री एक्सपर्ट वहाँ पे रूल्स बनाते रूल्स बनाते हैं एक्चुअली, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, कैसे हो, मतलब क्या करेंगे, जैसे कि हमें रियल लाइफ में हमें कहीं जाना है, वैकेशन पे जाना है, तो हम पहले तो डिसाइड करते हैं कि रूटीन कौन सा होगा, और हम कहाँ पे जाएंगे, हमें खाने के लिए क्या लेके जाना पड़ेगा, वैसे बहुत डिसाइड करते हैं पहले। और एक एग्जांपल है, जैसे कि कार मॉडल से सपोज समवन टोल्ड यू कार बनाने के लिए, तो देन उसको हम पहले तो डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ पे कार चलानी है, हमें ऑफ रोड चलानी या हमें या हमें हाईवे पे चलानी है, उसके हिसाब से हमें कार बनानी पड़ेगी। तो फिर हमें उसके लिए कि कितना माइलेज देगी, कितना मतलब उसका इंजन कैसा होगा, तो हमें ऑफ रोड पे चलानी है तो उसका इंजन गुड अच्छा होना चाहिए और उसकी पावर भी अच्छी होनी चाहिए। तो फिर और हम फाइनेंशियल पे हम बना सकते हैं कि मतलब हाईवे पे बनानी है तो हाईवे वाली कार ऑफ रोड पे नहीं चल सकती, ऑफ रोड वाली कार पे कैसे हाईवे पे, ऑफ रोड पे बार बार रोकना पड़ेगा, बहुत सारे सिग्नल्स हो गए, तो फिर हमें उसके हिसाब से कार बनानी पड़ती है। जैसे कि सी बी जी ऑफ रोड वाली कारें, जैसे कि कौन सी है, और बहुत सारी है उसकी, मतलब सेडान भी है मॉडल एक, तो उसके हिसाब से हमें कार बनानी पड़ती है। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंजीनियर ने उसमें मैं कैटेगरीज बनाई है कि ऑफ रोड में कौन सी चलेगी, और मतलब हमें कंफर्ट के हिसाब से, कंफर्ट परफॉर्मेंस कौन देती है कैसा, और कंफर्ट और उसका उसके सब हिसाब से हमें कार बनानी पड़ती है। वैसे ही प्रोग्रामिंग में, प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में, कि जैसे कि वेब एप्लीकेशन के लिए कौन सी लैंग्वेज है, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए कौन सी है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए कौन सी है, जैसे कि उसके लिए हमें उस हिसाब से हमें लैंग्वेज बनानी पड़ती है। जैसे कि अभी C++ और C#, वो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है, वो हमें वेबसाइट नहीं बना सकते उसके। और जावा बहुत सारी है, जैसे कि अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए हम C++ और C यूज़ करते हैं, वैसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए हमें PHP नहीं यूज़ कर सकते। वैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये दो मॉडल है, ये मॉडल प्रोग्रामिंग मॉडल में है, दो ही है बस। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज आती है, C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, ये सब लैंग्वेज C++ में आती है, सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है। और जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, C आती है, C# आती है,
ये प्रोग्रामिंग मॉडल है और उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगा, उसके बाद आएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज टू रिटर्न अ प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, हम जैसे कि हमें डिसाइड करने के बाद हमें कौन सा मॉडल लेना है, फिर हम उसको उसके हिसाब से हमें कुछ मतलब हमें कुछ लगवाना है या कुछ एक्स्ट्रा लेदर लगवाना है कुछ या गाड़ी में कुछ और लगवाना है तो हम लगा सकते हैं। वैसे ही प्रोग्रामिंग में हम फिर उसके बाद प्रोग्राम रिटर्न करते हैं, उसके हिसाब से C++ के सिंटैक्स आएंगे, फिर अलग C++ के अलग सिंटैक्स हो गए, जावा के अलग हो गए, पाइथन के अलग हो गए, जावास्क्रिप्ट के अलग हो गए, तो उसके हिसाब से हम उसके सिंटैक्स रिटर्न करेंगे उसको फॉलो करके, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो करके। ये हो गया सिंटैक्स, और उसके बाद सिंटैक्स फॉलो करने के बाद वो रिटर्न करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफाइन अ सेट ऑफ सिंटैक्स एंड प्रोवाइड द कंपाइलर टू ट्रांसलेट। हाँ वही अभी मैंने पॉइंट बताया, वो सिंटैक्स फॉलो करेगा, फिर उसके बाद कंपाइलर उसको ट्रांसलेट करेगा उस सिंटैक्स में, फिर उसको कंपाइल करेगा। द सोर्स ऑफ कोड फ्रॉम द वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, कौन सी भी वो हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स जीरो टू हाई लेवल लैंग्वेज, एक्चुअली हाई लेवल लैंग्वेज इज अ ह्यूमन लैंग्वेज, जैसे कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द हाई लेवल लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेज मीन्स लो लेवल लैंग्वेज मीन्स प्रोग्रामिंग ये 0101 मशीन लर्निंग है ना, मशीन लर्निंग में जीरो वही कंप्यूटर बस जीरो और वन अंडरस्टैंड करता है, उसको दूसरी लैंग्वेज नहीं आती है। तो फिर हाई लेवल लैंग्वेज इज अ ह्यूमन लैंग्वेज, जैसे कि हमें प्रोग्रामिंग समझ में आती है, जैसे कि हमें ये लिखा है वो समझ में आ रहा है कि हमें हाँ ये क्लास है और वो ऐसे मतलब हमें समझ में आता है कि हमें क्या है, ये इंग्लिश है, इंग्लिश में लिखा हुआ कोड है, तो वो सोर्स ऑफ कोड वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज मीन्स लो लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स याद नहीं रखना, हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स हमारी ह्यूमन लैंग्वेज है, लो लैंग्वेज मीन्स मशीन की लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड वन सम बिल्ट इन लाइब्रेरी रीड कोड सॉल्यूशन फॉर कॉमन एंड उसके बाद आएगा हाँ फिर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज से स्टार्ट करते क्योंकि C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्टार्ट करते हैं कि द ऑब्जेक्ट oriented programming language are more important to given to the उसको in object oriented programming में object को बहुत ज़्यादा importance दिया है, बस object को बहुत ज़्यादा importance दिया है। तो हम object देखते हैं कि क्या है, object is a instance of a class, instance means object ही होता है, instance का meaning ही object है। ऑब्जेक्ट हैज अ स्टेट करंट वैल्यू एंड बिहेवियर एक्टिविटी, ऑब्जेक्ट में क्या आएगा कि उसकी वैल्यूज आएगी और उसका बिहेवियर एक्टिविटी, जैसे कि एक कुत्ता है तो उसके उसका नेम आएगा उसके प्रॉपर्टीज में आएगा कि वो उसका कलर क्या है, कि ये वैल्यूज है ना, वैल्यूज मीन्स प्रॉपर्टीज, तो उसका आएगा कलर, जैसे कि एग्जांपल में देते हैं अभी एग्जांपल्स लेते हैं अभी क्या आएगा कि उसकी वैल्यूज में आएगा का नेम आएगा, उसका कलर आएगा, ब्रीड मीन्स उसकी जात कलर होती है,
कौन से ब्रिड का है, वो ब्रिड का है, उसका वैल्यूज में आएगा और उसके बाद उसकी बिहेवियर में आएगा, बिहेवियर्स क्या हो के उसके, वो क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है या ईटिंग खा रहा है या खा रहा है या कुछ और कर रहा है। सो ये हो गए उसके सब, ये हो गए उसके प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर कुत्ते के। फिर उसके बाद क्लास, क्लास क्या है, क्लास इज अ मॉडल ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लास इज अ मॉडल ऑब्जेक्ट, क्लास इज अ मॉडल ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लास डिफाइन अ स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग अ क्लास, मल्टीपल सिमिलर ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड। क्लास इज अ मॉडल ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लास ऑब्जेक्ट का मॉडल है और उसके डिफाइन करता है, क्लास डिफाइन करते स्टेट एंड बिहेवियर ऑब्जेक्ट के, स्टेट एंड बिहेवियर मीन्स प्रॉपर्टीज एंड उसका बिहेवियर मतलब उसके एक्टिविटीज, ऑब्जेक्ट की क्लास डिफाइन कर, क्लास डिफाइन करता है बाय यूजिंग मल्टीपल सिमिलर ऑब्जेक्ट यू कैन क्रिएटेड। सो ये एग्जांपल है, बस एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया क्लास क्या, ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज उसका बिहेवियर डिफाइन करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है ऑब्जेक्ट और माय क्लास माय ऑब्जेक्ट, ये हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है माय क्लास में, और फिर उसकी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में हमने लिया है कि नंबर लिया है, एक नंबर लिया है और एक स्ट्रिंग लिए है। सो नंबर हमने लिया है 15 और स्ट्रिंग लिए है हमने सम स्टिक्स, और वो फिर ऑब्जेक्ट वो वैल्यूज और वो ये प्रॉपर्टी और ये सपोज ये बिहेवियर उसको हमने डिफाइन किया है, हाँ यहाँ पे डिफाइन किया है और फिर यहाँ में हमने प्रिंट किया है। जैसे कि हमने ये माय क्लास में माय नंबर और माय स्ट्रिंग, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर यहाँ पे जैसे कि हमने बताया, ये वेरिएबल्स हमने यहाँ पे इंट वेरिएबल और ये स्ट्रिंग वेरिएबल हमने डिफाइन किए है, यहाँ पे डिक्लेयर किए है, और फिर हमने ये यही वैल्यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट में लिए। सो समझ में आई, हमने नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके एग्जांपल्स लेंगे। ये बस थोड़ा सा सिंटैक्स टाइप, थोड़ा सा ओवरव्यू। सो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। सो बाय बाय।